So the next section is levels of biodiversity. Okay, so diversity ये जो living world में दिखता है हमको, ये अलग अलग levels पे होता है, like molecular level से लेके minute particles से लेके ecosystem level तक. Okay, उसमें you can see hierarchy, मतलब smaller से लेके higher level तक, and interrelated levels भी दिखेंगे हमको कि how they are interconnected, this variety is interconnected. So there are basic levels of diversity में तीन basic चीज़ें हम लोग तीन types basic पढ़ने वाले हैं. जेनेटिक डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी, स्पीशीज डाइवर्सिटी को कम्युनिटी डाइवर्सिटी भी बोलते हैं, एंड इकोसिस्टम डाइवर्सिटी जिसको इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी भी बोलते हैं. तो सिंपल सा हम लोग इसके एक्सप्लेनेशन हम लोग देखेंगे. यहाँ पे एक सिंपल सा डायग्राम है. कैन यू टेल दैट स्पीशीज डाइवर्सिटी इन चार्ट ए एंड बी, उसके बारे में क्या बोलोगे? तो चार्ट ए में यू कैन सी अ लॉट ऑफ डाइवर्सिटी, चार्ट बी द डाइवर्सिटी इज लेस. ओके, सो नाउ तो ये एक सिंपल सा एग्जाम्पल है पिक्चर देख के. अभी हम लोग टाइप्स या लेवल्स ऑफ डाइवर्सिटी, उसके तीन टाइप्स या तीन लेवल्स देख लेते हैं. पहला है जेनेटिक डाइवर्सिटी. ऑब्वियसली देर आर एन नंबर ऑफ जीन्स प्रोड्यूसिंग एन नंबर ऑफ डिफरेंट वराइटीज ऑफ कैरेक्टर्स. सो इट इज़ बेसिकली द जीन्स दैट आर डिफरेंट, जिसकी वजह से डिफरेंट कैरेक्टर्स आते हैं और इसलिए इतना डाइवर्सिटी, इतना वराइटी एग्जिस्ट करता है अमॉन्ग द लिविंग क्रीचर्स. तो दैट इज वट इज द जेनेटिक डाइवर्सिटी. इसको इंट्रा स्पेसिफिक डाइवर्सिटी भी बोलते हैं. इंट्रा इज विद इन द सेम स्पीशीज. ओके, उसी स्पीशीज में डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स में हमको डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स क्यों दिखते हैं? बिकॉज द जीन्स आर डिफरेंट. सो देर इज डाइवर्सिटी इन द नंबर एंड द टाइप्स ऑफ जीन्स. ओके, दैट आई टोल्ड यू कि कई टाइप की जीन्स है एंड एन नंबर ऑफ जीन्स आर देयर, एज वेल एज क्रोमोजोम्स ऑल्सो. डिफरेंट स्पीशीज में डिफरेंट डिफरेंट क्रोमोजोम्स है एंड देर इज वेरिएशन इन द जीन्स एंड देयर अलील्स. ओके, मतलब अलील्स इज नथिंग बट टू और मोर ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ द सेम जीन्स जो होता है, जो आइदर म्यूटेशन से बनता है एंड कभी कभी वो क्रोमोजोम में सेम जगह पे मिलता है. ओके, तो बिकॉज देर आर देर इज अ पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोजोम्स ना, दो सेम क्रोमोजोम्स होते हैं. दिस यू स्टडी इन जेनेटिक्स, तो ये कॉन्सेप्ट्स वहाँ से है. तो कभी कभी उसी का सेकेंड होमोलोगस क्रोमोजोम पे सेम लोकेशन पे सेम जीन्स है लेकिन म्यूटेटेड फॉर्म में, तो इसकी वजह से भी वेरिएशंस आते हैं. एंड देर आर सो सेम स्पीशीज में हमको लॉट ऑफ वैरायटी मिलती है. तो वेरिएशन जो होता है वो स्पीशीज के अंदर है, विद इन द पॉपुलेशन, दैट इज ह्यूमन पॉपुलेशन. अगर हम बोलेंगे हम लोग को फिर भी ह्यूमन्स में डिफरेंट डिफरेंट कैरेक्टर्स मिलते हैं. सो देर इज लॉट ऑफ डाइवर्सिटी बिटवीन द पॉपुलेशन ऑल्सो, अमॉन्ग द पॉपुलेशन ऑफ अ सिंगल स्पीशीज और बिटवीन टू डिफरेंट पॉपुलेशन. सो ऑब्वियसली इट इज देयर एंड दीज ऑल वेरिएशंस आर वेल अडेप्टेड टू द लोकल कंडीशंस. ये जो भी कैरेक्टर्स चेंजेस हमको ऑर्गेनिजम्स के अंदर दिखते हैं इनसाइड द पॉपुलेशन, ये क्यों आते हैं? ताकि वो अडेप्ट हो सके अपने लोकल एनवायरनमेंट के साथ और सर्वाइव कर सके. जेनेटिक वेरिएशन दैट इज एलेलिक जीन्स के बारे में जब हम बात करते हैं, इसकी वजह से इंडिविजुअल डिफरेंसेस आते हैं विद इन द स्पीशीज. मतलब क्या है कि जब जीन्स थोड़ी सी अलग हो जाती हैं तो दो इंडिविजुअल्स के बीच अंदर सेम जीन्स है लेकिन एक में वो थोड़ी सी बदल जाती है, तो उसकी वजह से वो दूसरे इंडिविजुअल में भले वो दोनों एक ही स्पीशीज को बिलोंग करते हैं, दोनों में थोड़े अलग कैरेक्टर्स हमको दिखने मिलते हैं. सच वेरिएशंस पेव वे टू एवोल्यूशन. मतलब क्या है? ये छोटे छोटे जो चेंजेस आते रहते हैं जीन्स में, यू कैन कॉल देम एज वेरिएशंस और म्यूटेशंस और वट एवर, उसकी वजह से ही एवोल्यूशन होता है क्योंकि ऑर्गेनिज्म धीरे 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 करके बदलता जाता है. इसकी वजह से देर आर चांसेस ऑफ दे ऑल्सो इम्प्रूव द चांसेज ऑफ कंटिन्यूशन ऑफ स्पीशीज. सिंस द स्पीशीज इज इवॉल्विंग, द स्पीशीज कैन अडेप्ट टू द चेंजिंग एनवायरमेंटल कंडीशंस एंड दे कैन अडेप्ट होते हैं, इसीलिए एग्जिस्ट कर पाते हैं एंड दे डोंट बिकम एक्सटिंग्विश्ड. ओके, या एक्सटिंक्ट नहीं हो जाते हैं. देन वॉट यू कैन सी इज कि existence of subspecies या races are example of genetic diversity. Now what is a subspecies? एक species के अंदर ही हमको कभी कभार उसी species से related होता है लेकिन वो organism slightly different है, so उसको subspecies बोल सकते हैं हम लोग. तो या फिर रेस. ओके, जैसे ह्यूमन्स में यू हैव द इंडियन रेस, यू हैव द अमेरिकन रेस, यू हैव द नीग्रोस. ओके,
तो वाई दिस वेरिएशंस आर प्रेजेंट बिकॉज ऑफ द जेनेटिक डाइवर्सिटी. मोर द डाइवर्सिटी बेटर विल बी द सस्टेनेंस ऑफ द स्पीशीज. ओके, जितना ज्यादा वैरायटी उतना वो स्पीशीज ज्यादा सस्टेन कर पाएगा. और ये वैरायटी क्यों आता है? बिकॉज ऑफ द डिफरेंट जीन्स. देन देर आर 1000 वैरायटीज ऑफ मैंगोज, उन्होंने एग्जाम्पल दिया है, एंड 50,000 वैरायटीज ऑफ राइस या वीट इन इंडिया. तो 50,000 टाइप के चावल ही है. एक टाइप का चावल एक्सटिंक्ट भी हो जाता है तो भी चावल की ये स्पीशीज कंटिन्यू होती रहेगी, क्योंकि एक वैरायटी खाली खत्म हो जाती है अगर एक्सटिंक्ट होती भी है. तो एक्चुअली इतने नंबर ऑफ वैरायटीज होने का एक रीजन ये भी है कि ओवरऑल राइस विल कंटिन्यू ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ. ओके, इवन इफ बाई मिस्टेक ड्यू टू सम नेचुरल डिजास्टर और ह्यूमन इंटरफियरेंस और ड्यू टू सम एक्स वाई जेड अदर रीजन एक खास स्पीशीज एक्सटिंक्ट हो जाती है, तो भी राइस ये टोटली अर्थ के सरफेस पे से वाइप ऑफ नहीं हो जाएगा, क्योंकि देर आर 50,000 वैराइटीज विद इन इंडिया इटसेल्फ. तो और दूसरी कंट्रीज में और दूसरे क्लाइमेटिक कंडीशंस में हमको और दूसरी वैराइटीज मिलेंगी उसकी. सो इट्स ऑलवेज दिस वैराइटी इज हेल्पिंग द ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ. ओके, देन अनदर केस ऑफ जेनेटिक डाइवर्सिटी है मेडिसिनल प्लांट रोवल्फिया वोमिटोरिया. दिस रोवेल्फिया वोमिटोरिया, उसमें जो केमिकल होता है रिसरपाइन, वो यूज होता है फॉर हाई ब्लड प्रेशर. ओके, सो उसका एक्टिव कॉम्पोनेंट है. ये प्लांट हमको हिमालयन रेंजेस में मिलता है इंडिया में. इस प्लांट में भी कई वेरिएशंस है उसके पोटेंसी पावर के हिसाब से. उसका केमिकल कॉन्सेंट्रेशन, एक्टिव केमिकल का कॉन्सेंट्रेशन भी अलग अलग है. अगर ये झाड़ अलग अलग जगहों पे उगता है तो अकॉर्डिंग टू द लोकेशन उसका ये केमिकल कंटेंट वेरी रहेगा और उसका पावर भी चेंज होएगा. ठीक है, तो इसीलिए इट इज बिलीव यू नो इन आयुर्वेदा और इन होम्योपैथी द मेडिसिन दैट आर मेड फ्रॉम प्लांट्स ओके और एनिमल सोर्सेज. तो इट इज बिलीव्ड कि जो प्लांट्स या एनिमल्स जो वाइल्ड में रहते हैं उनसे अगर ये मेडिसिन डिराइव किया जाता है तो वो एक्चुअल फॉर्म में होता है. क्योंकि ये कल्टिवेटेड फॉर्म में अगर हम लोग इनको क्लोज इंक्लूजर में या गार्डन्स में इन प्लांट्स को उगाते हैं और फिर से मेडिसिनल प्लांट को उगाते हैं और उससे ये मेडिसिनल एक्टिव इंग्रेडिएंट अगर हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं तो उसकी प्रॉपर्टीज या उसकी पावर में थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा कंपेयर टू द वन दैट यू ग्रो इन द वाइल्ड एंड एक्सट्रैक्ट द केमिकल्स फ्रॉम द प्लांट विच इज ग्रोन इन द वाइल्ड. यू गॉट दिस डिफरेंस. सो योर एनवायरमेंट हैज अ लॉट ऑफ इफेक्ट ऑन द ऑर्गेनिजम्स एंड उसके जेनेटिक चेंजेस में भी. ठीक है, देन जेनेटिक डाइवर्सिटी या ये जो वेरिएबिलिटी है इट इज़ वेरी वेरी एसेंशियल फॉर अ हेल्दी ब्रीडिंग पॉपुलेशन ऑफ अ स्पीशीज. क्योंकि ये जो जीन्स में वेरिएशंस है दैट विल हेल्प द ऑर्गेनिज्म टू अडेप्ट एंड सर्वाइव. एंड वी ऑल नो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट इज द रूल. सो द वन विच सर्वाइव इज द वन विच इज फिट. मतलब उसका जीन्स हेल्दी इसलिए कैरेक्टर्स हेल्दी इसलिए वो सर्वाइव कर पा रहा है. सो ये जेनेटिक डाइवर्सिटी इज एसेंशियल फॉर दिस पॉपुलेशन टू ब्रीड. ओके, हेल्दी पॉपुलेशन ही ब्रीड होएगा और वो स्पीशीज कंटिन्यू होएगी. फिर आते हैं हम स्पीशीज डाइवर्सिटी पे. अगेन नाउ ये स्पीशीज डाइवर्सिटी कहाँ से आई? ऑब्वियसली जीन्स में वेरिएशंस है इसलिए नई नई स्पीशीज हमको मिल रही है. सो दीज आर इंटरकनेक्टेड, इसीलिए वो वर्ड हमने पहले इंट्रोडक्शन में देखा इंटर रिलेटेड. ओके, देन स्पीशीज डाइवर्सिटी अगेन. नाउ जीन्स का जो था वो तो इंट्रा स्पेसिफिक था, स्पीशीज का जो है वो इंटर स्पेसिफिक है. दो अलग स्पीशीज को अभी हम लोग यहाँ पे कंपेयर करेंगे, उसकी वैरायटी को कंपेयर करेंगे. नंबर ऑफ स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स जो पर्टिकुलर रीजन में होते हैं वो उस रीजन का स्पीशीज डाइवर्सिटी बनाते हैं. ओके, सम एरियाज आर रीजन्स जो होते हैं दे आर रिचर इन स्पीशीज देन इन अदर एरियाज. वो लाइक वी कैन सी द अमेज़न फॉरेस्ट हैज़ अ रिचर वैरायटी, मोर वैरायटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो वहाँ पे डिफरेंट वैरायटी ऑफ प्लांट्स है. सो अलग अलग वैरायटी के प्लांट्स हैं दैट इज इंटर स्पेसिफिक डाइवर्सिटी. अलग अलग वैरायटी के एनिमल्स हैं तो दैट इज अगेन इंटर स्पेसिफिक डाइवर्सिटी. अभी उस रीजन में वो बहुत ज़्यादा है कंपेयर टू अदर रीजन्स ऑन द प्लैनेट. तो दिस स्पीशीज डाइवर्सिटी इज बेसिकली डीलिंग विद डिफरेंट वैरायटी ऑफ स्पीशीज या स्पीशीज रिचनेस हम लोग उसको बोलते हैं. अलॉन्ग विद दैट इट इज ऑल्सो डीलिंग विद द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ डिफरेंट स्पीशीज जिसको स्पीशीज इवननेस बोलते हैं. मतलब जब हम स्पीशीज डाइवर्सिटी की बात करते हैं हम कितने वैरायटी, सपोज इफ आई टॉक अबाउट प्लांट वैरायटी, तो देर आर मैंगो प्लांट, एप्पल प्लांट, पेरू प्लांट, गोवा प्लांट. ओके, या मेडिसिनल हर्बल प्लांट्स है जैसे नीम है या फिर हम लोग व्हाट वी कैन से रोवल्फिया का प्लांट है या रूटा का प्लांट है, वट एवर. तो ये डिफरेंट वैरायटी के प्लांट्स हैं. ये क्या है? अलग अलग स्पीशीज है. ओके, ये हो गई उसकी वैरायटी. एक ही जगह पे सब ये अलग अलग प्लांट्स हैं तो ये स्पीशीज रिचनेस है. इफ़ आई टॉक अबाउट द नंबर ऑफ प्लांट्स, ओके, नंबर ऑफ नीम प्लांट्स कितने हैं, नंबर ऑफ रूटा प्लांट्स कितने हैं या नंबर ऑफ
मैंगो प्लांट्स कितने हैं, तो वो उनका नंबर जब मैं काउंट करती हूँ, तो आई एम ऑल्सो डीलिंग विद द स्पीशीज इवननेस, वेदर द स्पीशीज आर इवनली स्प्रेड, मतलब सेम नंबर ऑफ ऑलमोस्ट नियर बाय सेम नंबर ऑफ नीम प्लांट्स है, सेम नंबर ऑफ मैंगो प्लांट्स एंड ऑल, तो आई विल सी देर इज अ इवननेस इन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीशीज. ओके, देन यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी दिया है उन्होंने कि एम्फीबियन स्पीशीज डाइवर्सिटी वेस्टर्न घाट्स ऑफ इंडिया में बहुत ज़्यादा है कम्पेयर टू द ईस्टर्न घाट्स. ओके, वेस्टर्न घाट्स में हमको ज़्यादा वैरायटी के एम्फीबियंस मिलते हैं. तो ये नेचुरल नेचुरली अनडिस्टर्ब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है, ट्रॉपिकल फॉरेस्ट अनडिस्टर्ब क्यों बोला है, जहाँ पे कोई ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं है टू डिस्टर्ब द इकोसिस्टम, एंड इकोसिस्टम डिस्टर्ब होएगा तो ही स्पीशीज वैरायटी में डिस्टर्बेंस आएगा. तो अनडिस्टर्ब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो है, दे हैव ग्रेट स्पीशीज रिचनेस देन कंपेयर टू द मोनोकल्चर प्लांटेशन. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मोनोकल्चर, तो एक क्रॉप प्लांट का अगर हम लोग कल्टीवेशन करते हैं एक एग्रीकल्चर लैंड में, तो वहाँ पे एक ही टाइप का क्रॉप हम लोग कल्टीवेट करते हैं. ओके, सो सेम वे अगर मोनोकल्चर प्लांटेशन ऑफ टिम्बर प्लांट है, वुड जो हम लोग ये बिल्डिंग्स और कारपेंट्री में यूज़ करते हैं, ऐसे बड़े बड़े पेड़ लगाए हैं, एंड इट इज़ डेवलप्ड बाय फॉरेस्ट प्लांटेशन, मतलब एक फॉरेस्ट हम लोग ने आर्टिफिशियली क्रिएट किया है. तो इफ़ आई कंपेयर दिस आर्टिफिशियल फॉरेस्ट, जहाँ पे बड़े बड़े पेड़ लगा के हम लोग ने एक ही टाइप के पेड़ लगाए हैं उसको, और दूसरे नेचुरली ऑकरिंग फॉरेस्ट को कंपेयर करेंगे, तो कहाँ पे स्पीशीज का ग्रेट रिचनेस ज़्यादा है, तो ऑब्वियस आंसर है कि नेचुरल ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में उसका रिचनेस ज़्यादा है. इंडिया इज़ वन अमॉन्ग द 15 नेशंस दैट आर रिच इन स्पीशीज डाइवर्सिटी. सो व्हाट आर द डिफरेंट अदर नेशंस जहाँ पे यू फाइंड बहुत ही वैरायटी या मेगा डाइवर्सिटी है स्पीशीज का? तो द डिफरेंट अदर, ऐसे तो इन्होंने 15 बोला है, पर 17 कंट्रीज है. यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज वन, मेक्सिको है, कोलंबिया है, इक्वेडोर है, पेरू है, वेनेजुएला है, ब्राज़ील है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, साउथ अफ्रीका, मेडागास्कर, देन इंडिया इटसेल्फ, देन मलेशिया, इंडोनेशिया, फिलीपींस, पापुआ न्यू गिनिया, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे टोटल 17 कंट्रीज़ हैं जिनको मेगा डाइवर्सिटी में कंसिडर होता है, मतलब सबसे ज़्यादा वराइटी ऑफ स्पीशीज़ प्लांट्स, एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट्स, सब कुछ जो इन कंट्रीज़ में मिलती है. ये टोटल एक्चुअली 17 है. देन द नेक्स्ट इज इकोलॉजिकल डाइवर्सिटी. इफ़ आई टॉक अबाउट दिस इकोसिस्टम डाइवर्सिटी, अगेन ये रिलेटेड है टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोसिस्टम या डिफरेंट टाइप्स ऑफ हैबिटेट्स जो हमको एक पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरिया में दिखते हैं. लाइक इफ़ आई टॉक अबाउट इंडिया इज अ ज्योग्राफिकल लैंड, ओके, तो यहाँ पे हमको अलग अलग टाइप के इकोसिस्टम्स दिखते हैं. चलो इंडिया भी बहुत लार्ज स्केल पे हो गया. इफ़ आई टॉक अबाउट जस्ट मुंबई, तो यहाँ पे हमको फॉरेस्ट भी मिलता है, फॉरेस्ट इज अ डिफरेंट हैबिटेट. वी हैव द सी शोर, सी इज अ डिफरेंट हैबिटेट. वी हैव द रिवर ऑल्सो, तो रिवर इज अ डिफरेंट हैबिटेट, फ्रेश वाटर है, और सी इज अ मरीन वाटर, एंड फॉरेस्ट इज अ लैंड टेरेस्ट्रियल. ओके, तो इस तरह से यू हैव डिफरेंट हैबिटेट का वराइटीज राइट इन अ गिवन ज्योग्राफिकल एरिया. तो डिफरेंट टाइप ऑफ इकोसिस्टम्स बन जाते हैं वहाँ पे, तो इकोसिस्टम का डाइवर्सिटी है ये. देन ऐसे तो अर्थ पे तो बहुत वैरायटी ऑफ इकोसिस्टम्स हैं, एंड लेकिन वो व्हाट वी कैन सी, दे आर हैविंग देयर ओन कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ डिस्टिंक्टिव इंटरलिंक्ड स्पीशीज. मतलब क्या है, ये अलग अलग इकोसिस्टम्स में अलग अलग स्पीशीज हैं, बट ऑल आर सम ऑर द अदर वे इंटरलिंक्ड विद वन अनदर. ओके, एंड इट कैन बी, लेकिन अपने अपने हैबिटेट के लिए वो स्पेशलाइज्ड है, तो वो स्पेशल क्रीचर्स रखते हैं, इसलिए वैरायटी है. देन जनरली देर मे बी वन और मेनी डिफरेंट टाइप्स ऑफ इको सिस्टम इन अ रीजन. इसलिए मैंने तुम लोग एक सिंपल मुंबई का रीजन का एग्जाम्पल दिया कि एक से ज़्यादा टाइप के इको सिस्टम्स वहाँ पर एग्जिस्ट कर सकते हैं. तो इको सिस्टम डाइवर्सिटी इंडिया में तो वेरी हाई है, वाइल सबसे लो कहाँ पर है, तो नॉर्वे में है. वहाँ पर बहुत कम वराइटी का इको सिस्टम तुमको दिखेगा, एक पर्टिकुलर मोनोटोनस टाइप का एटमोसफियर ज़्यादा मिलेगा. इन इंडिया में वी फाइंड डेजर्ट ऑल्सो, वी हैव रेन फॉरेस्ट ऑल्सो, वी हैव डेसीडियस फॉरेस्ट, एस्टुअरीज मतलब खाड़ी है हमारे यहाँ पे, वेटलैंड्स यानी मार्शी एरियाज हैं जहाँ पे मैंग्रोव्स होते हैं, ग्रासलैंड्स हैं. ओके, वेस्टर्न घाट में तो इको डाइवर्सिटी
ग्रेट इकोसिस्टम डाइवर्सिटी है, जैसे यू हैव द लद्दाख, यू हैव द रैन ऑफ कच्छ. नाउ लद्दाख इज लाइक यू फाइंड स्नो क्लैड रीजन ऑल्सो ओवर देयर, वेयर एज द रैन ऑफ कच्छ इज टोटली डेजर्ट एरिया. ओके, सो लॉट ऑफ इकोसिस्टम का वेरिएशन हमको देखने मिलता है. सो डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स इन तीनों लेवल पे, जेनेटिक लेवल पे, स्पीशीज लेवल पे या फिर इकोसिस्टम लेवल पे, इज नाउ रियली गेटिंग मॉडिफाइड बाय मॉडर्न मैन, बिकॉज ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा है. ओके,